बाहरी लोग आकर चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, चुनाव जीतने के बाद सोना क्षेत्र का शोषण करते हैं, यहाँ के विकास से उनका कोई मतलब नहीं है। यह निर्णय बहुत प्रमुखता से उठा कि बाहरी लोगों का बहिष्कार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में कल रात से अब तक 200 के करीब इस्तीफे हो चुके हैं। इम्पोर्टेड कैंडिडेट चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, और कांग्रेस भी अगर इम्पोर्टेड कैंडिडेट लाती है तो निश्चित तौर पर इनको नुकसान होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में विधानसभा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिस लिस्ट में अलग अलग विधानसभाओं के 67 उम्मीदवारों को टिकट दी गई है। लेकिन बीजेपी के टिकट बंटवारे से जहां एक तरफ राजपूत समाज के लोगों में भारी रोष व्याप्त है, वहीं दूसरी तरफ टिकट बंटवारे से नाराज 12 घंटे के अंदर बीजेपी के टिकट पर दावेदारी करने वाले 200 से अधिक वरिष्ठ नेता इस्तीफा दे चुके हैं। हालांकि कई नेताओं ने तो निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है, जिसे लेकर बृहस्पतिवार को करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रेस प्रवक्ता सूरज पाल सिंह अम्मू ने सोहना में एक प्रेस वार्ता कर कहा कि अब की बार बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने राजपूत समाज की अनदेखी की है, जिसका अंजाम पार्टी को चुनावों में भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की है, भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों की अनदेखी की है, भारतीय जनता पार्टी ने मंत्रियों की और पूर्व मंत्रियों की अनदेखी की है। भारतीय जनता पार्टी का अनेकों अनेक साल में कार्यकर्ता पदाधिकारी रहा हूँ, प्रवक्ता रहा हूँ, मीडिया कोऑर्डिनेटर रहा हूँ। मैंने भारतीय जनता पार्टी को पार्लियामेंट के समय छोड़ा था, कारण कि अब पार्टी जिस प्रकार की टिकट वितरण में जिस प्रकार की तानाशाही चला रही है, मुझे लगता है उनको अब कार्यकर्ताओं की आवश्यकता नहीं है। रही बात राजपूत समाज की, मुझे बड़ा दुख है कि जिस 67 उम्मीदवारों की जिन 67 उम्मीदवारों की लिस्ट इन्होंने कल जारी की है, उसके अंदर एक रादौर से श्याम सिंह को टिकट दी गई है, 3 लोगों की टिकटें काट दी गई हैं। मैं शशि परमार की बात करूं तो शाम से वहां पर इन्होंने किरण चौधरी, जो भारतीय जनता पार्टी की कट्टर विरोधी थी, जो भाजपा की अब राज्यसभा की सांसद बन गई, उनकी बेटी श्रुति को टिकट दे दी। ऐसे ही इन्होंने अटैली विधानसभा, वहाँ पर भी हमारा अधिकार बनता है राजपूतों को, वहाँ पर इन्होंने राविंदरजीत सिंह की बेटी को टिकट दे दी। सोहना के अंदर संजय सिंह मंत्री थे इनकी सरकार में, जुमा जुमा भी 4 महीने पहले वो मंत्री बने, उनकी टिकट को भी इन्होंने काट दिया। नैनपाल रावत इंडिपेंडेंट MLA थे, 5 साल लगातार मनोहर लाल सरकार में वो उनके समर्थक रहे, उनके लिए उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी और वो निर्दलीय विधायकों के नेता भी थे गोपाल कांडा जी के साथ, परंतु प्रथला से उनकी टिकट भी काट दी। इस प्रकार का जो राजपूत समाज के साथ इन्होंने अन्याय किया वो यहाँ नहीं किया, इन्होंने राजस्थान के अंदर भी ऐसे ही किया, इन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर भी ऐसे किया, उत्तर प्रदेश के अंदर भी ये टिकट वितरण में पार्लियामेंट में इन्होंने ऐसा ही किया। अब हरियाणा, इनके दिमाग में एक बात की गलतफहमी है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है राजपूत समाज वो कहाँ जाएगा, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस गलतफहमी को दूर करने का एक ही तरीका है, इस विधानसभा के चुनाव में इनको राजपूत समाज इस बार एहसास कराएगा कि सुपड़ा साफ कैसे होता है। और मैं तो साथ साथ में कांग्रेस पार्टी को भी कहना चाहूँगा, हरियाणा के अंदर आप जिस प्रकार से टिकट वितरण करने वाले हैं, आज आपकी टिकटों की लिस्ट आने वाली है, शाम तक आए, कल आए, जब भी आए, खड़गे साहब और राहुल गांधी को भी कहना चाहूँगा, अगर आपने भी राजपूत समाज की अनदेखी इस प्रकार से की तो आपको भी आसानी से कुछ समाज लेने वाला नहीं है। मैं एक बात कहता हूँ, हरियाणा सर्व समाज, यहाँ पर 2 करोड़ से अधिक वोट हैं, यहाँ पर सभी जातियों का मिश्रण है, परंतु टिकट वितरण में मैं सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूँ, मेरे मुख्यमंत्री नायब सैनी मेरे मित्र हैं, उन विचारों को नॉलेज कम है, परंतु मनोहर लाल जो अपने आप को चाणक्य समझते हैं, जो कि चाणक्य है नहीं, उन्होंने टिकट वितरण के अंदर जिस प्रकार से राजपूत समाज की अनदेखी की है, भारतीय जनता पार्टी में करणदेव कंबोज मेरे मित्र पूर्व मंत्री ओबीसी करते हैं, करणदेव कंबोज की टिकट काट दी। वो एक मेरा दोस्त है बाडरा से MLA रहा है शौरान, उसकी टिकट काट दी, उसने भी रात को इस्तीफा दे दिया। भारतीय जनता पार्टी में कल रात से अब तक 200 के करीब इस्तीफे हो चुके हैं। कविता जैन पूर्व मंत्री थी, टिकट नहीं दी उसको जीतने वाली सीट पर, कांग्रेस से या इधर उधर दलों से ये लोग कैंडिडेट ला कर जिस प्रकार के से कार्यकर्ताओं का और हरियाणा के लोगों का अपमान कर रहे हैं, मुझे लग रहा है इनको अब इम्पोर्टेड कैंडिडेट चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, और कांग्रेस भी अगर इम्पोर्टेड कैंडिडेट लाती है तो निश्चित तौर पर इनको नुकसान होने वाला है। हरियाणा की जनता बहुत समझदार है, जागरूक है, इनको एहसास कराएगी, परंतु इतना कहना चाहूँगा, राजपूत समाज की अनदेखी भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ने वाली है।
सूरजपाल सिंह अमू ने प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस पार्टी को चेताते हुए कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी ने भी बीजेपी पार्टी के टिकट बंटवारे के दौरान राजपूत समाज की अनदेखी की तो उनका भी राजपूत समाज वही हाल करेगा जो भारतीय जनता पार्टी का करने के लिए जा रखा है। कहा कि बीजेपी ने इससे पहले उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी राजपूत समाज के टिकट बंटवारे के दौरान अनदेखी की थी और अब वही हाल हरियाणा में किया है। बीजेपी पार्टी एक तरफ तो राजपूत समाज को अपना वोट बैंक समझती है, वहीं दूसरी तरफ टिकट बंटवारे के दौरान अनदेखी करती है, जिसका खामियाजा पार्टी को अब की बार भुगतना पड़ेगा। कह रहा हूं, पिछली बार हमारे को 5 सीटें मिली, 5 टिकटें इन्होंने हमारे को दी, धन्यवाद। गजेंद्र शेखावत आए थे, उन्होंने बैठकें कराई, आज गजेंद्र शेखावत चुप है, मुझे लगता है शेखावत साहब की कुछ सुन नहीं रहा। आज माने राजनाथ जी, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ, आज राजनाथ जी जो राजपूतों के सिरमौर बनते हैं वो चुप है, मुझे लगता है शायद उनकी भी बात नहीं सुनी जा रही। हमारे राजपूत समाज के जनरल वी के सिंह को पहले इन्होंने गाजियाबाद से टिकट उनकी काटी, उनकी बेटी को टिकट दे देते तोसाम से। श्रुति चौधरी किरण चौधरी की बेटी बेटी है और जनरल वी के सिंह की बेटी बेटी नहीं है, ये कैसा न्याय है? जिस जनरल वी के सिंह ने पूरे देश की सेवा की उसको आपने अपमानित किया, 10-10 लाख वोटों से जीतने वाले जनरल वी के सिंह को आपने गाजियाबाद से, अरे क्या चाहते हो आप लोग? अगर आपके मन में यह है कि भारतीय जनता पार्टी को राजपूतों की टिकट नहीं, वोट नहीं चाहिए और उनको टिकट नहीं देनी, तो निश्चित तौर पर राजपूत समाज जल्दी ही एक बहुत अहम निर्णय करने जा रहा है। मेरे अनेक मित्र कई राज्यों से आ रहे हैं जो बड़े नेता हैं राजपूत समाज के, वो आएंगे, महिपाल सिंह मकराना भी आएंगे, पूरन सिंह भी आएंगे, अनेक और छत्र पाएंगे राजपूतों के, वो भी आएंगे, और हम अन्य लोगों की जातियों को जिनका हक काटा गया है उनके लोगों को भी, उनके नेताओं को भी इकट्ठा करके सर्व समाज को बताएंगे कि ये टिकट वितरण जो है जिस प्रकार से किया, सोना से एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दी है तेजपाल तंवर, जो मुझे लगता है 1 घंटे के अंदर चुनाव उसकी जमानत भी नहीं बचने वाली है। क्या कौन सी सिफारिश है, कौन कर रहा है सिफारिश इन लोगों की? ऐसे लोगों को टिकट देने वाले लोग निश्चित तौर पे वो जमीनी सच्चाई से भाग रहे हैं। दुख है मुझे, मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहा हूँ, पदाधिकारी रहा हूँ, परंतु मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में सुनने वाला नहीं है, कुछ ही लोग अब निर्णय करते हैं, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पास सबसे बड़ा हथियार है वोट का, जनता को अब अपने वोट का निर्णय स्वयं करने का अधिकार है। अब हरियाणा की जनता पिछलग्गू नहीं है, हरियाणा को जिस प्रकार से मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने जो लूटा है, मनोहर लाल खट्टर ने जिस प्रकार से तानाशाही चलाई है, आज उसका भारतीय जनता पार्टी को और उसके कार्यकर्ताओं को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जिन्होंने मनोहर लाल जी की सेवा की, चाटुकारिता की, चमचागिरी की, उनको मनोहर लाल जी ने टिकट दिलाई, परंतु जो कार्यकर्ता दिन रात 20-20, 30-30 सालों से भाजपा का झंडा उठा के चल रहे हैं उनकी अनदेखी की है। मैं सोना में जन्मा हूँ, सोना के साथ मेरा अटैचमेंट है, सोना मेरा अपना घर है, सोना में हम लोगों ने एक नारा लगाया था, वोकल फॉर लोकल, हमारे यहाँ का लोकल कैंडिडेट होना चाहिए। 1966 से जब से हरियाणा बना है, सोना विधानसभा बनी है, तब से अब तक सोना विधानसभा में बाहरी लोग आकर चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, चुनाव जीतने के बाद सोना क्षेत्र का शोषण करते हैं, यहाँ के विकास से उनका कोई मतलब नहीं है। ये निर्णय बहुत प्रमुखता से उठा कि बाहरी लोगों का बहिष्कार करेंगे, उस पर भी अब हमारी चर्चा चल रही है, हमारी अब बैठक चल रही है, उसमें भी हम बहुत जल्दी निर्णय लेने वाले हैं। बाहरी उम्मीदवारों का विरोध जारी रहेगा, तेजपाल तंवर स्वयं भी बाहरी उम्मीदवार हैं, उनका सोना विधानसभा से कोई ताल्लुक नहीं। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की उसमें अगर हम जातिगत समीकरणों की बात करें तो जाट समाज को 13 और ब्राह्मण समाज को 10 सीट, पंजाबी समाज को 7 सीट, वैश्य समाज को 5 सीट, एससी समाज के लिए 13 सीट, विश्नोई समाज के लिए 2 सीटें, सैनी समाज के लिए 1 टिकट और प्रजापति यानी ओबीसी के लिए भी 1 टिकट, राजपूत समाज के लिए भी 1 टिकट, यादव समाज के लिए 5 सीट, गुज्जर समाज के लिए 5 सीट, कंबोज कश्यप रोर व सिख समाज के लिए भी 1-1 टिकट दी गई। टिकट बंटवारे को लेकर पूरे हरियाणा में विरोध किया जा रहा है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि पिछली बार हरियाणा में 75 पार का नारा देने वाली बीजेपी सरकार मात्र 41 सीटों पर सिमट गई थी, तो अब की बार भारी विरोध के बीच हरियाणा में बीजेपी को कितनी सीटों पर सब्र करना पड़ेगा। हरियाणा वरदान के लिए सोना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।